हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सबका ऑल न्यू सेवेंथ सी हल के थर्ड इशू में। जिसे देखने से पहले अगर आपने इस सीरीज के पिछले दोनों इशूज की वीडियो हमारे चैनल पर नहीं देखी तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहां से इस इशू से पहले इस सीरीज के इशू 1 और 2 की वीडियो जरूर देख लें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सी हल की इस पूरी सीरीज को एंजॉय करने के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, ऑल न्यू सेवेंथ सी हल्क के पिछले इशू में हमने देखा कि कैसे ओरिजिनल सी हल्क लायरा को पकड़ने की कोशिश करती है और उससे मुकाबले के दौरान उसे पता चलता है कि वो थंडरा की बेटी है जो उनकी रियलिटी में सदी के सबसे बड़े सुपर हीरो नॉर्मन ऑसबोर्न को ढूंढने आई है। और तभी नॉर्मन ऑसबोर्न भी वहां अपने डार्क एवेंजर्स के साथ लायरा को कन्फर्म करने आ पहुंचता है। अब आगे तो जैसा कि ऑसबोर्न खुद आयरन पेट्रियट सूट में अपने डार्क एवेंजर्स के साथ लायरा के पास पहुंचता है तो वो नोवार को उसे पकड़ने का कमांड देता है, जिस पर नोवार ऑसबोर्न से पूछता है आखिर मैं ही क्यों। तो ऑसबोर्न कहता है कि मैं तुमसे कुछ खास इंप्रेस नहीं हुआ हूं क्योंकि अब तक तुमने इस टीम के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़की को पकड़कर इस टीम में अपनी वर्थ साबित करो। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवार अपनी पॉकेट से एक क्यूब निकालता है और उसकी मदद से वहां पॉकेट बैटलफील्ड बनाकर वो लायरा को उसमें ट्रैप कर देता है। और नोवार की ये पॉकेट बैटलफील्ड टाइम और स्पेस में डिस्टॉर्शन पैदा करती है, जिसके बाद नोवार अपने टीम मेंबर से उसे 2.5 मिनट में पकड़ने का कहकर खुद भी उस पॉकेट बैटलफील्ड के अंदर घुस जाता है। और अंदर घुसने के बाद नोवार लायरा को अपने पॉकेट फील्ड के बारे में बहुत बढ़ाइयां मानने लगता है। वो उसे कहता है कि उसका यह बैटलफील्ड उसके सबकॉन्शियस के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है, जिसके अंदर वो इतना कैपेबल है कि वो किसी भी कॉम्बैट को मिनटों में खत्म करके उसे जीत सकता है। साथ ही नोवार ये भी बताता है कि वो एक इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल क्री है जिसने अपने ट्रैवलिंग के दौरान उसके जैसे कई बींग्स और डिफरेंट वर्ल्ड्स को देखा है और उसके पास टोटल 28 वैरायटी ऑफ पैरेलल यूनिवर्स का कैटलॉग है, जिसके जरिए उसने बहुत से स्पेशल बींग्स जो कि लायरा जैसे हैं उन्हें खत्म किया है और अब वो उसे भी खत्म करेगा। लेकिन वो थोड़ी स्पेशल है इसीलिए उसे खत्म करने से पहले उसे करीब से देखना चाहता था। तब लायरा कहती है कि तुम एक क्री वॉरियर हो, तब मुझे मालूम है कि आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और वो उसे बताती है कि कैसे उसके फ्यूचर में भी ओरिजिन्स कॉर्पोरेशन ने उनके अर्थ पर सभी को बहुत सी शक्तियां प्रदान की, जिसके बाद कई अन्य जातियों ने क्री को गुलाम बना लिया और फिर अपने जेलेसी और पर्सनल ग्रजेस के चलते उनमें लड़ाइयां हुई, जिसमें वो तब तक लड़ते रहे जब तक अनंत के लिए मानवता ने खुद को नष्ट नहीं कर दिया। ये सुनकर नोवार लायरा से कहता है कि ओ, तो अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ आ गई है, तुमने मुझे एक्चुअली गलत बंदा समझ लिया है। मैं वो नहीं जो ऐसे ही किसी का गुलाम बनकर मारा जाए और तुम्हारा भी हमारे अर्थ पर आकर ऑसबोर्न को मारने से कुछ नहीं बदलने वाला। और अगर तुम ऐसा कुछ कर भी पाई तो भी तुम सिर्फ रियलिटी में एक डाइवर्जन क्रिएट करोगी जो कि एक्चुअल वन से अलग होगा। लेकिन ऑसबोर्न को मारना तो दूर, तुम उसे छू भी नहीं सकती क्योंकि ऑसबोर्न मेरी प्रोटेक्शन में है। और इतने कहने के साथ ही नोवार लायरा पर अटैक कर देता है, पर लायरा उसके अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके इतने करीब आ जाती है कि वो उसका हाथ ही तोड़ देती है। बट नोवार को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका हाथ ट्रिपल जॉइंटेड होता है। और यहीं पर वो अपना दूसरा अटैक करते हुए लायरा को अपनी नी मारता है, और इससे पहले कि वो अपने हाथ के वेपन को यूज कर लायरा को खत्म कर पाता, लायरा उसका अटैक रोक लेती है और उल्टा उसे एक सॉलिड किक दे मारती है। फिर यहां हमें लायरा की बैक मेमोरीज द्वारा ये पता चलता है कि आखिर लायरा नोवार के साथ चल रही उसकी फाइट में नोवार पर किस तरीके से हावी हो रही थी। और वो ऐसे कि लायरा जब छोटी थी तब एक दिन उसे कुछ लड़कियों ने उसके रंग रूप को लेकर बहुत बुली किया, जिसे गुस्सा होकर वो उनसे लड़ती है बट सिर्फ मार ही खाती है। तब वहाँ गाइनोसोर आती है जिन्हें देख बुली करने वाली लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। और इसके बाद लायरा गाइनोसोर से पूछती है कि आखिर सब लड़कियां उसे बुली क्यों करती हैं और वो उनका सामना क्यों नहीं कर पाती। तब गाइनोसोर उसे बताती है कि वो शताब्दियों से प्राकृतिक जन्म से पैदा होने वाली इकलौती लड़की है, जिसके कारण बाकी लड़कियां उससे जलती हैं और उसे जो कलर मिला है वो उसके फादर की देन है, जिसके पास बहुत सी शक्तियां थी और अब उन्हीं की शक्तियां उसे अच्छे से यूज करनी सीखनी होगी। वो उसे बताती है कि कैसे उसके फादर को जितना गुस्सा आता था वो उतने ही शक्तिशाली बनते थे, हालांकि उसके पास इसकी उल्ट शक्तियां हैं। वो जितना ज्यादा शांत रहेगी उतनी ही शक्तिशाली बनती जाएगी। और इस पावर के अलावा उसके पास एक ऐसी अनोखी शक्ति भी है कि वो अपने शरीर के जरिए गामा रेज को मार्गदर्शन देते हुए
उसमें महारत हासिल कर सकती है, जिससे कि वो हर लड़ाई आसानी से जीत सके। इसके बाद वापस से हम प्रेजेंट केस में शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि लायरा एम्बिट गामा रेस पर फोकस करना शुरू करती है और अपने उस एनवायरनमेंट में वो ट्रांसलाइक स्टेट में पहुंच जाती है, जो उसे हेल्प करता है आसानी से क्री वॉरियर नोवार को बैटल हराने में। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न नोवार के वापस ना लौटने से अपने डार्क एवेंजर्स के दूसरे मेंबर डेकन को पॉकेट बैटलफील्ड के अंदर भेजता है, क्योंकि नोवार को अंदर गए 5 मिनट हो चुके थे और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। और फिर हम देखते हैं कि डेकन अपने क्लॉस निकालता हुआ क्यूब में एंटर होता है, जिसे लायरा अंदर आते हुए देख लेती है और उसे देखते ही डेकन उसे अपने फेलो फ्रेंड नेला की तरह दिखने लगता है और यही चीज कारण बनती है उसकी डिस्ट्रैक्शन का, जिसका फायदा उठाकर नोवार लायरा पर अपने नाखून के जरिए एक लाइट अटैक कर देता है, जिसमें एक टॉक्सिन मौजूद था जो कि लड़ाई को खत्म करते हुए लायरा को बेहोश कर देता है। ये देखकर ऑसबॉर्न नोवार की छोटी सी तारीफ कर देता है, कहता है चलो ठीक ही है, आखिरकार तुम कुछ तो काम आए। और यहीं हम देखते हैं कि बेहोश पड़ी लायरा को उसकी घड़ी बोडिका होश में लाने की कोशिश करती है, पर नाकाम रहती है, क्योंकि नोवार बोडिका को लायरा की रेस से अलग कर देता है और जो उसे अपनी एआई क्रिप्लेक्स को भी रिमाइंड कराती है। वहीं ऑसबॉर्न बेहोश पड़ी लायरा पर यह कहने लगता है कि इसे क्या लगा था, ये मुझे मार सकती है? नहीं, ये मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती, पर खैर इस तरह की सोच रखने वाले मुझे बहुत पसंद है और अब वक्त है इसे अपने टावर ले जाने का, जहां पर होश में आने पर हम इसे सभी सवालों के जवाब मांगेंगे। इसके बाद हम एरिस और मिस मार्वल को लायरा को उठाते हुए देखते हैं, जिसे कैरी करते वक्त मिस मार्वल को लायरा के मुंह से ये सुनाई देता है कि नेला मैंने तुम्हें मार दिया था। और दोस्तों इसके बाद हम वापस से लायरा के पास यादों में आ जाते हैं, जो इशू 2 में छोड़ी गई थी और जहां नेला लायरा पर पीछे से हमला करने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि लायरा की वॉच बोडिका उसे अटैक के बारे में पहले ही वार्न कर देती है, जिसके चलते लायरा एक हैवी ब्लो खाने से बच जाती है और इसी दौरान लायरा के हाथ से वो डिवाइस गिर जाता है जो उसने मैंस के क्रेडल से निकाला होता है और जिससे कि वो अपने सिस्टरहुड के क्रेडल्स को ठीक करने वाली थी। और तभी उस चीज को देखकर नेला समझ जाती है कि उसे वही डिवाइस चाहिए जो वो खुद गाइनोश्योर को देगी, और अब लायरा का काम यहीं पर खत्म होता है। तब बोडिका लायरा से कहती है, मिस्ट्रेस हमारे साथ गद्दारी हुई है और इसकी खबर हमें गाइनोश्योर को देनी चाहिए। लेकिन उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए नेला लायरा से कहती है, तुम्हें क्या लगा था तुम्हें एग्जीक्यूट करने का काम मैं खुद से कर रही हूँ? नहीं लायरा, ऐसा नहीं है, मुझे ये काम करने के लिए गाइनोश्योर ने ही कहा था। वो ही ये चाहती थी कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस सिस्टरहुड से खत्म हो जाए, क्योंकि तुम सिस्टरहुड के लिए एक लायबिलिटी हो और तुम हम में से एक भी नहीं हो, जिसके कारण मैं तुम्हें सिस्टरहुड के पवित्र अस्त्र से मौत देने वाली हूँ। और तुम्हें मारने के बाद हम ये खबर फैला देंगे कि तुम्हें बजरकर्स कबीले वालों ने मिशन के दौरान मार दिया। इससे कोई सिस्टरहुड पर शक भी नहीं करेगा। और ये सब कहने के बाद जैसे ही नेला लायरा को स्टेप करने लगती है, लायरा उसका पलटवार करती हुई अपने एक ही ब्लो से उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसे वहीं पर खत्म कर देती है। लेकिन लायरा का ऐसा करना उसे थोड़ा निराश भी कर रहा था, और जैसे ही वो नेला की बॉडी को हटाती है, वो देखती है कि जिस डिवाइस से उनकी क्रेडल्स ठीक होने वाली थी वो अब टूट चुकी थी। तब बॉडिका कहती है कि अब हम अपनी क्रेडल्स को कैसे ठीक करेंगे मिस्ट्रेस, हमारी क्रेडल्स को ठीक करने वाला डिवाइस तो टूट चुका, अब हम क्या करेंगे जिससे कि सिस्टरहुड सलामत रहे। और तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर राज करने वाले सभी मेंस के ट्राइब वहां पर आ पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि लायरा ने उनके मेंस के क्रेडल को तबाह किया और उनका एक डिवाइस चुरा लिया। और तादाद में ज्यादा लोग होने के कारण लायरा वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझती है, और लगातार 8 दिनों तक लायरा और कुछ नहीं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागती ही रहती है। और भागते हुए वो मिलागो सिटी के गेट्स तक आ पहुंचती है, जहां उनके साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई ब्लैक बूम नाम की एक एंटिटी मौजूद थी, जो कि दोस्तों वेनम का सिम्बायोट है और जो सिर्फ सिस्टरहुड को पहचानता है। उनके अलावा वो उनके क्षेत्र में आने वाले हर मेल्स को खत्म कर देते हैं, जिसने उस दिन भी लायरा की मदद की और उसे चेस करने वाले हर घुसपैठिए को उसने वहीं पर गेट्स पर खत्म कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं लायरा गाइनोश्योर को कन्फ्रंट करने आ पहुंचती है अपने असैसिनेशन को लेकर, और गाइनोश्योर से पूछती है कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया? तब गाइनोश्योर बताती है कि मुझे सब पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ में लगी घड़ी बोडिका से लिंक्ड हूँ, जिसके जरिए मैं सब कुछ देख और सुन सकती हूँ। और ऐसे ही मुझे पता चला कि तुमने हमारी एक आखिरी होप भी खत्म कर दी, तुमने वो चीज तबाह कर दी जो कि हमारी क्रेडल्स को ठीक कर सकती थी। इस पर लायरा कहती है, नहीं मैंने कुछ बर्बाद नहीं किया, बल्कि तुमने किया है, तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की,
तुमने मिशन खराब किया है और तुम ही अब मिलागो को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। तब गायश्योर लायरा के गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करके उसे अपने सामने बेबस कर देती है और कहती है कि हम मिलागो को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि हम ही मिलागो हैं और हमें पता था कि गामा रेस का ओवरडोज तुम्हारे सेल्स पर अफेक्ट करता है जिसके कारण तुम कमजोर होती हो। फिर चाहे तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कुछ भी क्यों ना हो और हमारे प्रेडेसर्स ने हमें पहले ही ये बात बता दी थी कि एक दिन तुम हमारी जाति के लिए खतरा साबित हो सकती हो, इसीलिए हमने तुम्हें मरवाना चाहा। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि तुम बाकी सिस्टर्स जैसी नहीं हो, उनसे अलग हो, इसलिए हमने ऑलरेडी एक फेल सेफ बना रखा था जो कि रिप्लेसमेंट था अगर तुम इस मिशन में फेल हो जाती, और अब वक्त आ गया है उसे एक्टिवेट करने का। उसके जरिए तुम दोबारा से हमारे फ्यूचर को बचा सकती हो और पूरी सिस्टरहुड को यह भी साबित कर सकती हो कि जो भी वो तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो गलत है। और दोस्तों, इसी तरह इन थॉट्स के जरिए गायनाश्योर लायरा को मैनिपुलेट कर लेती है उसे एक और मिशन पर भेजने में, जिसे पूरा करके वो उनके फ्यूचर को सलामत रखती और उनकी फीमेल क्रेडल यूनिट्स को ठीक कर सकती थी। और यहाँ गायनाश्योर लायरा को फर्दर बताते हुए कहती है कि हमारे पास तुम्हारी माँ ठंडरा का लाया हुआ एक डिवाइस है जिससे कि तुम टाइम में पीछे जाकर उस चीज को कलेक्ट कर सकती हो जो हमारी जनरेशन को खत्म होने से बचाएगा। और याद रहे, ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी जिसे अगर तुम पूरा नहीं कर पाई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लायरा की बैक मेमोरी से निकलकर वापस से अर्थ के प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होते हैं, जहां जैसे ही लायरा को एवेंजर्स टावर में होश आता है वो अपने सामने नॉर्मन ऑसबोर्न को खड़ा पाती है जो उसे कह रहा होता है कि हेलो, आई प्रिज्यूम कि अब तुम मुझे बिना मेरे आर्मर सूट के पहचानी गई होगी क्योंकि मैं अपने पूर्वज मिस्टर स्टार्क की तरह उस सूट को पूरे दिन नहीं पहनकर घूम सकता। और हाँ, अगर नहीं भी पहचान पाई तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वही बंदा हूँ जिसे तुमने मारना चाहा, नॉर्मन ऑसबोर्न। तो अब बिना टॉर्चर के क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? लेकिन ऑसबोर्न के इतना कहने के बाद भी लायरा कुछ नहीं बोलती। तब वो कहता है, चलो तो अब ठीक है, अब मुझे तुम्हें टॉर्चर करना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ, वो भी बड़े ही आराम से और बहुत ही धीरे धीरे। लेकिन उससे पहले मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे चिल्लाने से पहले कुछ तो काम की बात बता पाती। और इसके बाद हम एवेंजर्स टावर के बाहर का दृश्य देखते हैं, जहां सेंट्री को मीडिया वाले न्यूयॉर्क पर हुए अटैक के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे इस अटैक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस अटैक का जो भी जिम्मेदार है अभी वो एवेंजर्स की कस्टडी में है। जहां हैमर की इंटरोगेशन टीम आकर उससे सवाल जवाब करेगी, जिसके बाद ही उन्हें सब कुछ पता चल पाएगा। और यहीं पर हम आर्मर एजेंसी के हेडक्वार्टर दो हॉलों में शिफ्ट होते हैं, जहां डायरेक्टर चार्ल्स लिटिल स्काय और उसके एजेंट्स सेंट्री का ये इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जिसे देख डायरेक्टर को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि क्या अब ये हैमर एजेंसी वाले भी हमारे काम में टांग अड़ाएंगे? अब क्या ये हमारे हर काम को हैंडल करेंगे और क्रेडिट खुद ले लेंगे? और अगर वो ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ करना होगा, आखिर ये हमारा मामला है और इसे हम ही हैंडल करेंगे। और तभी वो अपने एजेंट गेल से लायरा को उसके थर्मल की मदद से ट्रैक करने को कहता है, जिसके बाद एजेंट गेल उसे बताती है कि सर, लायरा पिछले एक घंटे से एवेंजर्स टावर में ही मौजूद है, जहां पर शायद उसे बेहोश करके रखा गया है। और उसके बॉडी के थर्मल्स की रीडिंग से ये पता चल रहा है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है, उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा, पर उसके बावजूद उसकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है। वहीं से वापस से हम सेंट्री को मीडिया को दिए जा रहे इंटरव्यू की ओर शिफ्ट होते हैं, जहां सेंट्री कह रहा होता है कि अब बस मैं किसी एक ही सवाल का जवाब दूंगा। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहां तेज स्पीड के साथ एक टैक्सी आकर रुकती है, जिसमें से सीहल्क बाहर आते हुए सेंट्री को एक जोरदार पंच मारती है, जिसे खाकर सेंट्री ढोल चाटने लगता है। तब सीहल्क उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? कैसे मुझे तुमने एक खिलौने की तरह उठाकर न्यू जर्सी फेंक दिया? मुझे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता और कोई भी मेरे साथ ऐसे पेश नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। और सीहल्क का सेंट्री पर यह ब्लो एवेंजर्स टावर में एक अलार्म ट्रिगर कर देता है, जिसे चेक करने नोवार अपने सिस्टम और बोडिका को छोड़कर वहां से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लायरा की घड़ी बोडिका अपने टेंटिकल्स निकालकर सिस्टम को हैक कर लेती है। वहीं अलार्म के ट्रिगर होने से ऑसबोर्न भी अपने मेंबर्स के साथ इकट्ठा होने के लिए निकलने ही वाला होता है कि यहाँ बोडिका का सिस्टम हैक लायरा को उसकी कैद से आजाद कर देता है। इसके बाद ऑसबोर्न भी हैरान परेशान होने लगता है, और इससे पहले कि लायरा उसकी ओर बढ़ती है वो उसे ये पूछने लगता है कि आखिर वो उसे ही क्यों मारना चाहती है। ये सुनकर लायरा कहती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ और ना ही मेरे ये ऑर्डर्स हैं कि मैं तुम्हें मारूं, मैं तो किसी और मकसद से आई हूँ। इसके बाद से दोबारा हम आर्मर एजेंसी के हेडक्वार्टर में शिफ्ट होते हैं,
जहां एजेंट गेल लायरा की बॉडी रीडिंग्स चेक कर रही होती है और उसकी रीडिंग से उसे ये पता चलता है कि लायरा का टेम्परेचर इसीलिए राइज कर रहा है क्योंकि वो ओविलेट कर रही है, जिसका मतलब है लायरा को कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो ऑस्मोन को अपने बाहों में लेकर उसे किस कर देती है, जो बेसिकली ये क्लियर कर देता है कि लायरा भी अपनी मदर थंड्रा की ही तरह ऑस्मोन का डीएनए लेने आई थी, ना कि उसे मारने के लिए। और दोस्तों, यहीं पर हमारे इस इशू की कहानी भी समाप्त हो जाती है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस सीरीज के फाइनल इशू 4 को देखने के लिए याद रहे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ली हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं आप लोगों से मिलूंगा इस सीरीज के फाइनल इशू के साथ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।